जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई, और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे हैं। अभी तो सत्ता है, सत्ता है तो वो जो बोलेंगे वो चलेगा। जब सत्ता नहीं रहेगी और जो कैग की रिपोर्ट आ रही हैं, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी न्यूट्रल, तब पता चलेगा कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। अभी तो उनके पास सत्ता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। शराब घोटाला तो घोटाला है बाय केजरीवाल, घोटाला फॉर केजरीवाल एंड घोटाला ऑफ केजरीवाल। अरे शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और किंगपिन और सरगना ही केजरीवाल है। इस साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया, उनपे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले। अब अगर क्लियर मोदी साहब ने छूट दे रखी एजेंसियों को कि सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो केजरीवाल साहब सिसोदिया साहब इनकी ज्वाइंट मीटिंग हुई है, पैसे का लेन देन हुआ है। देश के लिए आज दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश की संस्थाओं को एक एक करके खत्म कर रहे हैं, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक नई राजनीति की तरफ पूरे देश को लेकर जाएगा। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई, और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। पंजाब में तो सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही इनके स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा हैं कि बाहर हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था और पूरा षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा था। तो ये बात सबको मालूम थी कि देश के लिए आपको सर्वोच्च बलिदान देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि आपको देश की खातिर सब कुछ देना पड़ेगा। और हमारे नेता हूं या कार्यकर्ता हूं, जेल जाने से कोई नहीं डरता है। इतना साफ है कि अब केंद्र सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि किसी तरीके से भी बाय हुक बाय क्रुक आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए। आम आदमी पार्टी से सबसे ज़्यादा परेशान है केंद्र सरकार। जितने हमले आम आदमी पार्टी पे हुए उतने हमले आज तक भारत के इतिहास पे किसी में नहीं हुए। तो अब सिर्फ ये मंशा है कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए। 170 मुकदमे किए गए हमारे विधायकों के ऊपर, कोई नहीं टूटा। कोई टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना होने के लिए तैयार है, ना शामिल हुआ। तो अब ये है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए, इनके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को समाप्त किया जाए। कल मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिली और उनका इस तरह से कोर्ट की तरफ से भी 338 करोड़ का पूरा इसमें मामला है और इस समय चार्जशीट आ चुका है सामने और वो इस तरह से साबित हुई और टेंटेटिव भी उन्होंने कोर्ट में किया। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई मैंने देखी और कोर्ट ने लगातार ईडी से सख्त सवाल पूछे और ईडी के पास कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं था, उन सुनवाई के अंदर और जो आखिरी फैसला आया उसके अंदर, मुझे उसके अंदर बड़ा विरोधाभास दिखता है, उसके अंदर बड़ा अंतर दिखता है। ये अंतर क्यों है मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं नहीं समझ पाया, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनकी तरफ से बयान है कि
जो लोग ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहते थे अरविंद केजरीवाल, उनके ज़्यादातर मंत्री एक एक करके अब जेल जा रहे हैं और अब तो ये बताना मुश्किल है कि बाहर ज़्यादा मंत्री हैं या जेल में ज़्यादा मंत्री हैं। अब देखिए, अनुराग ठाकुर जी के पास अभी तो सत्ता है, सत्ता है तो वो जो बोलेंगे वो चलेगा। जब सत्ता नहीं रहेगी और जो कैग की रिपोर्ट आ रही हैं, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी न्यूट्रल, तब पता चलेगा कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। अभी तो उनके पास सत्ता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। शराब घोटाला तो घोटाला है बाय केजरीवाल, घोटाला फॉर केजरीवाल एंड घोटाला ऑफ केजरीवाल। अरे शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और किंगपिन और सरगना ही केजरीवाल है। आज तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, ईडी को मुहर लगी है सुप्रीम कोर्ट की कि उनकी जांच जो है वो सही दिशा में जा रही है। शराब घोटाला हुआ है, 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिला है। मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है। संजय सिंह, विजय नायर, मनीष सिसोदिया सब आपके साथी जिनको आप कट्टर ईमानदार कहते हैं, उन्हें लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बेल डिनाई किया है, बेल नहीं दिया है। तो क्या कोर्ट विंडिक्टिव है? क्या कोर्ट विद्वेष की भावना पर काम कर रहा है या आप झूठ बोल रहे हैं और आप भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस जांच की आंच आपके दरवाजे तक पहुंच रही है। ये तो कोर्ट के सामने बात आ चुकी है एविडेंस के रूप में कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के एक्टिव कनाइवेंस और कंस्पिरेसी के साथ ये शराब घोटाला किया गया। क्या आपकी जानकारी के बगैर ये भ्रष्टाचारी पॉलिसी आई? क्या आपकी जानकारी के बगैर 2.5% से 12% कमीशन बढ़ाया गया धवन कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकर? क्या आपकी जानकारी के बगैर प्राइवेट सेक्टर को होलसेल दिया गया जिससे कि कार्टलाइजेशन हुआ धवन कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकर? जो सारे निर्णय अवैध तरीके से लिए गए ताकि शराब घोटालेबाजों को बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिले और वो आपको सामने घूस दे सके, क्या ये आपकी जानकारी के बिना हुआ? 164 का स्टेटमेंट है कि ये सब आपकी जानकारी के साथ ही नहीं, आपके संरक्षण में हुआ, आपके नॉलेज में हुआ और आपके घर में आपकी मौजूदगी में हुआ। क्या ये सच नहीं है कि विजय नायर को ही आपने एक प्रकार से अपने शराब घोटाले बाजों के साथ उन्हें मिलाने का और फोन पर उनकी बात कराने का काम फेस टाइम कॉल के द्वारा किया गया था? आज सवाल बनता है कि जब जांच एजेंसियां कानून के हिसाब से काम करते हुए सरगने के पास पहुंच रही है तो आप विक्टिमहुड कार्ड क्यों खेल रहे हैं? आपको तो जवाबदेही देनी चाहिए, रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है, फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया, उनपे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते, हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। केजरीवाल साहब जो मुलजिम है, को एक्यूज्ड भी उस केस में है, उन्होंने बयान दिए कि हमारी मीटिंग केजरीवाल साहब ने कराई और केजरीवाल साहब ने कहा था कि शराब के ठेकेदारों से कि मेरे आदमी इनसे खुल के बात करो और जो ये करेंगे वो फाइनल होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सिसोदिया की कल जमानत जब कैंसिल हुई थी कि इसमें संदिग्धता नजर आती है, लगभग 350 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, 3500 करोड़ का, तो उसके लिए केजरीवाल से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब 14 में पीएम बने थे, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश की जनता की मांग थी, इसलिए अब एजेंसियां अपना काम कर रही है। सीबीआई ईडी किस लिए बनाई गई थी? इसी प्रकार के भ्रष्टाचारियों की जांच करने के बाद जो गरीब के जनता के पैसे को लोग खाते हैं, एक नेक्सस बनता है ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, सब लोगों का मिलकर, और भ्रष्टाचारी उद्योगपति ऐसे जो लोग होते हैं उनका, उस नेक्सस को तोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली वालों से। ये केजरीवाल एंड कंपनी जो है, इनके रफूगर विक्टिम कार्ड खेलने के माहिर हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अब वो जवाब दें इस बात के लिए कि आपने शराब का जो कमीशन है वो 12% क्यों किया ठेकेदारों का? क्या इंटरेस्ट था आपका? आपने पब और ठेके खोलने के लिए 3 बजे तक छूट क्यों दी?
आपने औरतों के लिए भी अलग पब बनाने के लिए उनको लाइसेंस क्यों दिए ठेकेदारों को? तो ये सब चीजें संदिग्ध हैं और इसीलिए केजरीवाल साहब से ईडी पूछताछ कर रही है। और देश की मांग थी, देश को खोखला भ्रष्टाचार कर रहा था, ऐसे बड़े बड़े घोटाले लोग कहते थे नेता लोग जेल नहीं जाते हैं, भ्रष्टाचार ये करते हैं, आपस में एक दूसरे से सेटिंग करके उसकी सरकार आएगी वो बचाएगा उसकी वो बचाएगी। अब अगर क्लियर मोदी साहब ने छूट दे रखी एजेंसियों को कि सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। पहले उन्होंने लीगल तरीके से चुनाव के माध्यम से खत्म करने की रोकने की कोशिश की, इन्होंने दिल्ली में कोशिश की ये फेल हो गए, फिर इन्होंने पंजाब में कोशिश की ये फेल हो गए, और जब गुजरात में आम आदमी पार्टी गई तब इनको समझ आना बंद हो गया कि इसको कैसे डील किया जाए। फिर इन्होंने सोचा कि लीगल तरीके से ईमानदारी से केजरीवाल को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर इन्होंने षड्यंत्र शुरू किया और षड्यंत्र के तहत जितने भी मुख्य और बड़े लीडर थे आम आदमी पार्टी के, एक एक करके उनको झूठे आरोपों से झूठे केसेस में अरेस्ट करना शुरू किए। अरेस्ट करने के बाद भी इन्होंने देखा कि यार पार्टी तो टूट नहीं रही है, पार्टी तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। फिर ये अपने प्रमुख, इनका जो मुख्य उद्देश्य था अरविंद केजरीवाल को रोकने का, खत्म करने का, उस पर आए और आज इन्होंने सम्मन जारी किया है। इस पे किसी को बहुत ज्यादा आश्चर्य है नहीं, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो बीजेपी के हेडक्वार्टर से ही ऑर्डर लेते हैं। तो ये देश के लिए आज दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश की संस्थाओं को एक एक करके खत्म कर रहे हैं, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक नई राजनीति की तरफ पूरे देश को लेकर जाएगा, एक इन सबसे चर्निंग होगी और एक नई राजनीति का उदय होगा, सत्य की जीत होगी। और जो मर्जी ये कर ले, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सच्चाई के साथ खड़ा है। हम डरने वाले नहीं है, आप जो मर्जी करना चाहे आप करो, ये देश की राजनीति अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार है।